अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों को मैं समझाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। बच्चे समझते हैं कि मल्टीप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आज मैं उनके लिए एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ। अगर वो तो ये तरीका समझ लेते हैं तो कुछ कोई भी दो नंबर्स उनको मल्टीप्लाई वो विद इन सेकेंड कर सकते हैं। समझाने में 2-3 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करेंगे फिर जो तरीका है इसमें मज़ा आएगा आप लोगों को। कोई भी क्वेश्चन हो, कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, मल्टीप्लाई करना पार्ट बगैर कैलकुलेटर के, तो आप इसको ईजीली कर सकते हैं। तो आइए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो पहले मैं एक क्वेश्चन है उसका मैं पहले आंसर लिख दूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैं पहले 12 मल्टीप्लाई 15, तो इसका मैं आंसर आपको पहले कैलकुलेटर पे फाइंड करके बताऊँगा और उसके बाद मैं ट्रिक समझाऊँगा कि आया कि इसका आंसर आप लोगों ने किस तरीके से लिखा है। इसका आंसर लिखा हुआ है 180 आंसर इसका आया है। अब आपने ये तो मैंने किया हल कैलकुलेटर से, यहाँ एक और तरीका होता है लेंथ के, इसको पहले को मल्टीप्लाई करो फिर उसको अगले से करो, फिर एक क्रॉस लगाओ फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करो फिर क्रॉस लगाओ फिर बाद में ऐड करो, तो ये क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन अब एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप 2-3 सेकंड के अंदर जो आंसर है उसको फाइंड कर सकते हैं। समझने में तो देर लगती है, मैंने पहले बात की थी। आइए जी, अब ट्रिक है इसको कैसे हमने कैलकुलेट करना है, कौन सा ट्रिक हम यूज़ करेंगे ताकि हमारे दो नंबर्स आपस में बड़ी जल्द ही विद इन सेकेंड्स मल्टीप्लाई हो जाए। तो उसका ट्रिक सुनिएगा, आप समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले आपने जो उसके फर्स्ट नंबर्स हैं इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 10 10 आपने एक नंबर लिखना है, 10 का लगा 0 कैरी में चला जाएगा 1। इनके पहले आपने जो फर्स्ट वन नंबर्स थे उनको आपने आपस में किया मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर्स को पहले वाले। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट कैसे करना है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंस मिलेंगे उन आंस को आपने ऐड कर देना है। कैसे करना है, 5 1s are 5 2 1s are 2, 5 + 2 हो गया 7, 7 में जो 1 कैरी वाला था 7 + 1 हो गया 8। मतलब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो आंस मिले उनको ऐड किया, जो कैरी था वो भी इसमें ऐड किया। अब इनको आपस में करने 1 1 1 1, तो ये है जी शॉर्टकट ट्रिक कि मैंने 2 सेकंड्स के अंदर सही तरीके से आंसर निकाल दिया। अब मैं नंबर चेंज करता हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाय 14। तो अब इसका आंसर पहले दोनों को करें मल्टीप्लाई, 5 4s are 20, 0 कैरी में 2 गया, 4 2s are 8, 5 1s are 5, 8 + 5 13, 13 + 2 15, कैरी में 1 गया, 2 1s are 2 and 1 3। तो 7 वेरिफिकेशन के लिए मैं कैलकुलेटर भी आपको सामने रखा हुआ है, 25 मल्टीप्लाई बाय 14। तो आप देखें मैंने बगैर कैलकुलेटर के आंसर फाइंड की है। एक और एग्जांपल चेंज कर लेते हैं जी, 46 मल्टीप्लाइड बाय 13, 6 3s are 18, 18 का 8 कैरी 1, 4 3s are 12, 6 1s are 6, 12 + 6 18, 18 + 1 19 कैरी 1, 4 1s are 4 and 1 5। तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 46 को, मल्टीप्लाई करते हैं जी 13 के साथ, तो आंसर देखें बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर जो मैंने निकाला है। अब एक शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर जो हमारे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 100 के करीब करीब हैं, अगर हमारे नंबर जो मल्टीप्लाई 100 के क्लोज क्लोज हैं उसका क्या ट्रिक है, आप देखें फर्स्ट नंबर कितना 100 से कम है, तो ये है -6, मतलब 100 में से 6 कम है, ये कितने कम है जी 4। अब क्या करना है आप लोगों ने, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 94 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90, या 96 निकालेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 90। उसके बाद हम आपस में करें मल्टीप्लाई, 6 4s are 24। एक और एग्जाम्पल ले देते हैं, 92 मल्टीप्लाइड बाई 93, तो ये कितना कम है 100 में से, ये 8 कम है, ये कितने कम है, ये हैं जी 7 कम है। इन इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, तो तरीकाकार सेम है, तो आंसर आ जाएगा 85 अगर हम माइनस करते हैं इनको आपस में। उसके बाद 8 7s are 56। अब जो दोनों मैंने आंसर लिखे हैं उनको वेरिफिकेशन करते हैं कि 92 को अगर मैं 93 से करता हूँ मल्टीप्लाई, क्या वाकई यही आंसर मिलता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से यही आंसर आता है। ये तरीका कार है जब दो नंबर्स 100 क्लोज क्लोज हों कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह के मजीद वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें, रखें बेल आइकन ऑन, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ
आप तक बर वक्त मौसा के रखे दुआ याद अल्लाह ने के बाद।